सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच। मेरी टीम को नमस्कार। और आज हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ। मैं नहीं खिलाता, मेरी टीम खिलाते हैं रोज़ 12 बजे। ये मेरे लिए मंदिर है, ये जगह मेरे लिए मंदिर है, तो इसमें मंदिर में मैं खड़ा हूँ। और हर रोज़ 12 बजे हमारा यहाँ भंडारा होता है दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स के नाम पर। और मैं नमन करता हूँ दादा साहेब फाल्के को, जिनके आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। इंडस्ट्री का गॉडफादर है वो, और उनके नाम का ये एनजीओ है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर तमाम जो मेरे मेंबर हैं वो यहाँ पर आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो मेंबर जो आ नहीं पाते हैं, जो दूर से मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर चाहे फिल्म लाइन के हो, चाहे फिल्म लाइन के नहीं हो, उन लोग सब यहाँ पर आए हैं आज अनाज देने के लिए। आज अनाज हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग अनाज दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ लोगों को हम लोग अनाज दिया। अब इसके बाद हम लोग मीरा रोड जा रहे हैं अनाज देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं, कल्याण जी हमें दवाई के लिए चाहिए, तो उनको दवाई भी हम लोग दिला रहे हैं। किसी को कोई बोलता है हमारा गैस का वो सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया, तो हम लोग उनको भी सिलेंडर की हम लोग भर के दे रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे एडवोकेट हमारे शैलेश दुबे साहब, जो वो यहाँ पर आए हैं, सुधीर दुबे साहब जो एडवोकेट वो यहाँ पर आए हैं, उसके साथ साथ में मेरे अरविंद हमजा सर वो यहाँ पर है मेरे साथ में। सुबह से हम लोग पीछे खाना पैक कर रहे हैं, खाना पैक करके हम लोग यहाँ पर मतलब अनाज को पैक करके हम लोग यहाँ पर लेके आना, सुबह से हम लोग पड़े हैं, कल से हम लोग पड़े हैं अरविंद जी। उसके साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू जैन जी, उसके बाद हिमा शर्मा जी एक्ट्रेस, कमाल खान एक्ट्रेस, कुमार गौतम एक्टर, और उसके साथ साथ में तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं, और हमारे विजय सक्सेना साहब जो टाइम निकल के वो यहाँ पर आए हैं, उसके साथ साथ में हमारे शिव आर्यन सर यहाँ पर आए हैं, शिव आर्यन सर, और सब तमाम लोग यहाँ पर है। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, मेरी पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं खाली इतनी बोलता हूँ, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं घोड़ा हूँ गधा नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं घोड़ा हूँ, मैं गधा नहीं हूँ। तो घोड़ा ना सोता है, ना रुकता है, ना थकता है, ना भागना छोड़ता है। तो मैं घोड़ा हूँ, मुझे गधा मत समझो। तो जो लोग इस एनजीओ के अंदर भी जो डाल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मतलब खिला डाल रहा है, उसको भी मैं डाल रहा हूँ खिला। तो और जो लोग मेरे पीछे पड़ा है उन समझ लो भाई, कल्याण जी जाना गरीबों के एक्टर गधा नहीं है, घोड़ा है, और घोड़ा की तरह भागेगा। और जो मेरे पीछे पड़ा है पढ़ने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मेरी जो दुनिया का दुआ है, मेरी पिता माता का दुआ है, मेरी मम्मी डैडी का दुआ है, मेरी इस मिट्टी का दुआ है, वो दुआ मेरे साथ है। बाकी दो भाई, हर हर महादेव। एनजीओ के बारे में कुछ बताइए, आपने कब एनजीओ चालू किया था और किस मकसद से किया था, और अभी ये एनजीओ क्या करने वाला है? ये एनजीओ के अब दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म जो हमारा एनजीओ है, ये एनजीओ के लिए, इस एनजीओ के लिए तमाम लोग हमें सपोर्ट किया है। हमें एडवोकेट शैलेश दुबे जी ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि इस एनजीओ को जब हमने बनाना शुरू किया था तो एडवोकेट साहब के पास जाके मैंने सलाह लिया, सर ऐसा कैसे बना सकता है। तो बहुत जगह पे दिक्कत आया, क्योंकि दादा साहेब फाल्के का नाम का एनजीओ का नाम वो नहीं मिल रहा था, तो भगवान की दुआ से वो मिला, वो एनजीओ शुरू हुआ। एनजीओ शुरू होने के बाद हमने यहाँ पर भंडारा शुरू किया, इसके अलावा हमने घर घर तक राशन देने का हम लोग काम शुरू किया, इसके अलावा हमने दादा साहेब फाल्के
जो हमारा उनके नाम का हमने एक पुतला 15 फुट का पुतला का बांद्रा में उद्घाटन करने का हमने निर्णय लिया है, जो इस मुंबई शहर में दादा साहेब फाल्के का पुतला नहीं है। तो हमारी इस पूरे टीम को लेके दादा साहेब फाल्के का 15 फुट का पुतला का हम कर रहे हैं उद्घाटन बांद्रा में। दादा साहेब फाल्के का फोटो नहीं है कहाँ पर, तमाम वो पिक्चर हॉल में, तमाम वो स्टूडियो में, मैं चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के का वो फोटो होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फोटो जब फिल्म शुरू होता है तब उनका फोटो क्यों नहीं आता है, तो वो हमारा मांग है। दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया। ऐसे तमाम सारे मुद्दा हम लोग दादा साहेब फाल्के का नाम का हम लोग रखे, और मैं चाहता हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से ये सफल होगा। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आप लोग दिखाएंगे अच्छा से, आप लोग दिखाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा मैं नमन करता हूँ, तमाम मीडिया को नमन करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच मेरी ऑल टीम, मेरे लवली वाइफ अंकिता जाना, थैंक यू सो मच। आप घर पे हो, आप बच्चे को संभाल रहे हो, और आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ है, आपकी दुआ मेरे साथ में। एंड थैंक यू मेरा ऑल जो टीम के मेम्बर है, जो मेरे पास यहाँ नहीं है, जो बाहर है, और तमाम जो यहाँ पर, मैं और बोल दूँ, अरविंद हमजा जी, हमारे वीरू जैन जी, हमारे कुमार गौतम जी, हमारे सुधीर दुबे साहब, एडवोकेट शैलेश दुबे साहब, हमारे टीम मेंबर है हेमा शर्मा जी जो नया अभी टीम मेंबर बने हैं, इन सभी शिव आर्यन जी, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच मीडिया को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।